दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपका बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम क्या है। ठीक है, टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी, टेलीग्राम को बनाने वाला कौन है और कब बनाया गया, किस देश का है। आपके दिमाग में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कि ये किस देश का है। क्या ये इंडिया का है, क्या ये चाइना का है, या फिर ये क्या अमेरिका का है। ठीक है, तो सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। लॉन्च डेट उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 14 अगस्त 2013 को आया है। ठीक है, और एंड्रॉयड के अंदर आया है 20 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, और जो ये इसका जो सेंटर है, 5 सेंटर है, डाटा सेंटर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, जैसे कि दुबई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। और ये तो आपको पता है कि टेलीग्राम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है और क्लाउड बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो जो फोटोज हम डिलीट कर देते हैं गैलरी में वो रिकवर हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे नीचे सिर्फ यही बताया कि इसके जो टेलीग्राम के दो एप्लीकेशन हैं, जैसे वेव के और ट्विंस हैं ये। ठीक है, और इतना कुछ यहाँ पर खास नहीं दे रखा है। जो टेलीग्राम के डेवलपर्स हैं जो ये हैं, ठीक है, टेलीग्राम मैसेंजर्स INC। इनिशियल रिलीज की बात करें तो अगस्त 14 को हुआ था, ठीक है, 2013 के अंदर, आज से 9 साल पहले। ठीक है, और एंड्रॉयड के अंदर वही बताया था 20 से 21 सितंबर, इतना कुछ डेट यही है, फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैकोज 21 सितंबर, ठीक है, और विंडोज मैकोज 30 सितंबर को हुआ। ठीक है, और ये 7 अक्टूबर को आई उसके अंदर। ठीक है, और अब जो इनके जो रेपोस्ट्री है, ये जो टेलीग्राम डेस्कटॉप है, और इसके अंदर C++ लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ये जो C++ एक लैंग्वेज है, ठीक है, और जावा भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ से लिया हुआ है, वेब प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड iOS। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, और जो ये टेलीग्राम है, ये जो अपने जो 66 लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, बट जो 12 लैंग्वेज हैं वो ऑफिशियल 12 लैंग्वेज के अंदर ही अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे सभी लैंग्वेज की लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, चाइनीज, इंग्लिश, जो जो लैंग्वेज यहाँ पे दे रखे है। ठीक है, टाइप जो ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, ये तो आपको पता है, जो इसका लाइसेंस है आपको पता है ये है। ठीक है, सर्वर वगैरह, वेबसाइट आपको पता है telegram.org इनकी ये वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बनाने वाले हैं जो निकोलाई ड्यूरोव, ठीक है, और पावेल ड्यूरोव, इन्होंने बनाया। ठीक है, जो अभी फिलहाल जो CEO है इसका पावेल ड्यूरो है, और इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनके जो URL और जो वेबसाइट है telegram.org है। ठीक है, हेडक्वार्टर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। तो अब बात कर लेते हैं, बनाने वाले तो सिर्फ ये दोनों बंदे हैं, और जो ये बंदे थे रशिया के थे ये दोनों। ठीक है, तो ये तो थी, मैंने आपको बताया कि कब लॉन्च हुआ, ठीक है, कौन इसके फाउंडर थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है टेलीग्राम का, और कुछ खास बातें और मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम किस लिए खास है। ठीक है, सभी ऐप्स से यहाँ पर लिखा है जो टेलीग्राम का जो डाटा है, ठीक है, यहाँ से कोई थर्ड पार्टी ऐप जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्लाउड चैट है, और ग्रुप्स भी यहाँ पे इनक्रिप्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 GB तक पर फाइल हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस मैसेजेस व्हाट्सएप के अंदर हमें टाइम लगता है, ठीक है, 2 GB फाइल एक साथ सेंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फेसबुक अंदर भी और इंस्टाग्राम वगैरह यहाँ पर भी इम्पॉसिबल है, बल्कि यहाँ पे देखिए टेलीग्राम के अंदर हम 2 GB से भी ज़्यादा डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और 2021 के अंदर टेलीग्राम के जो 500 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हो गए हैं। ठीक है, और ये मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है, ठीक है, इन जनवरी 2021 में। और यहाँ पर तो ये बता रखा है कि कितना क्या डाउनलोड हो गया है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि टेलीग्राम है जो व्हाट्सअप फेसबुक मैसेंजर की तरह मोस्ट पॉपुलर हो गया है। ठीक है, जैसे ये कंट्री दे रखे हैं यहाँ पे, बेलारूस, मालदीव, सब कुछ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका ये कन्फ्यूजन है क्लियर हो गया है, और वीडियो पसंद आई है, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दोगे और वीडियो को आप शेयर भी कर दोगे।